शुरू में मतलब एलेवेंथ से जब मेन प्रपरेशन शुरू हुई जी की तब बिल्कुल स्टार्टिंग में तो मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि अरे आई आई टी करना मुझे मतलब पेरेंट्स का था कि ठीक है इसको जेई की प्रपरेशन दिखानी है ऐसे आई आई भेजना है मेरे दिमाग में इतना नहीं घूमता था मेरा यूजली ये था कि मेरे को सेल्फ स्टडी करने में बहुत दिक्कत होती थी मैं एक टाइम पे बैठ के पढ़ना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था तो मतलब मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था तो मतलब मैं मेरी अटेंडेंस इसलिए काफ़ी हाई रहती थी क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्लास में बहुत आराम से बहुत ही फ्रीली फ्लूली पढ़ लेता था मेरे को अच्छा लगता था क्लास में पढ़ना कंपेयर टू खुद से पढ़ना जब कोई टीचर पढ़ा रहा लो मेरी केमिस्ट्री में मैंने याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी नहीं करी थी मेरे को याद करने में दिक्कत होती है अभी भी होती है जो मॉक टेस्ट हैं वो सारे टीचर बोलते हैं मैं वही चीज़ें बोल रहा हूँ लेकिन मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हेलो एवरीवन मैं हूं सौरभ कुमार आपका होस्ट वीएमसी अनस्क्रिप्टेड वीएमसी के यूट्यूब चैनल पे और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अर्जुन सम्मी जिनका जेई में 99 नाइन प्लस परसेंटाइल तो था ही था वो आज या अभी आईटी दिल्ली में फाइव ईयर यानी डुअल डिग्री कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में हैं तो वेलकम अर्जुन टू तो दिस पॉडकास्ट थैंक यू सर तो अर्जुन एक्स वी स्टूडेंट भी हैं तो अर्जुन बीच जब हम क्वेश्चन पे चलने से पहले अब या जो बेसिकली पॉडकास्ट की थीम है जेई के बच्चों को हेल्प करने के लिए उससे पहले मुझे लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों का एक ना कन्फ्यूजन टाइप का रहता है कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फोर ईयर प्रोग्राम एंड ए फाइव ईयर प्रोग्राम और ए डोल्ड डिग्री प्रोग्राम इन आई आई टी क्योंकि आई आई टीस बहुत डिग्री प्रोग्राम के लिए तो फाइव ईयर प्रोग्राम या याल्ड डिग्री प्रोग्राम जिसे कहते हैं उसमें हमें बी और एम की डिग्री फाइव में मिल जाती है वो यूजली क्या होता है फोर ईयर्स बी के होते हैं एंड देन अगर आपको एमटेक करनी हो तो आपको दो साल और स्टडी करना होता है बट डूएल डिग्री प्रोग्राम में आपको पाँच साल में बी प्लस एम दोनों मिलते हैं तो बेसिकली एक साल का एडवांटेज होता है है ना हुँ. और आप बेसिकली तीन साल में जो बी का कोर्स है उसको पढ़ते हैं और लास्ट के दो साल में एमटेक का कोर्स एक तरीके से पढ़ते हैं जिसके अंदर मुझे लगता है जो रिसर्च बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा लर्निंग होती है और जो स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को ये भी फील होता है कहीं ना कहीं

बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको फायदा होता है के। केसेस में फ़ायदा होता है बेटर डिग्री का बिल्कुल तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सारे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं जैसा कि उस समय पर सेकेंड जनरेशन आई को चूज करने में या किसी और कॉलेज में जाने से बहुत, बहुत बहुत बेटर है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन आई के अंदर आप कंप्यूटर साइंस या कोई भी अच्छा कोर्स जो है उसको चूज कर तो अर्जुन आप आई के अंदर गए और अब आई हो तो कैसा आपको क्या क्या चैलेंजेस आए अपनी जर्नी में जब आप आई के लिए तैयारी कर रहे थे और आपने किस क्लास से सोचा कि आपको आई की तैयारी करनी है आ, शुरू में मतलब एलेवन से जब मेन प्रिपरेशन शुरू हुई जी की तब बिल्कुल स्टार्टिंग में तो मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि आईआईटी आई टी करना मुझे मतलब पेरेंट्स का था कि ठीक है इसको जेई की प्रिपरेशन करानी है ऐसे आईआईटी भेजना है मेरे दिमाग में इतना नहीं घूमता था बट बट ठीक है पढ़ रहा था में डाला है मतलब कर रहा था एंड में टर्ड्स ही एंड ऑफ एलेवेंथ और लगा कि हाँ मैं अपनी तरफ से भी एक आया मोटिवेशन कि हाँ मेरे को आई करना है करना और प्रॉब्लम तो uh, मेरा यूजली ये था कि मेरे को सेल्फ स्टडी करने में बहुत दिक्कत होती थी मैं एक टाइम पे बैठ के पढ़ना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था तो मतलब मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था तो मतलब मैं मेरी अटेंडेंस इसलिए काफ़ी हाई रहती थी क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्लास में बहुत आराम से बहुत ही फ्रीली फ्लूटली पढ़ लेता था मेरे को अच्छा लगता था क्लास में पढ़ना कंपेयर टू खुद से पढ़ना जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो आ, मेरी अटेंडेंस हमेशा हाई रहती थी इवन स्कूल में यूजुअली बच्चे जई किपट के लिए स्कूल को इतना नहीं देते अटेंडेंस लो लगता है मेरी काफ़ी हाई अटेंडेंस थी स्कूल में भी एंड वी की क्लासेज में भी उससे थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सेल्फ स्टडी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है मतलब मैं होमवर्क भी वक्त सारा नहीं कर पाता था जितना हो गया अच्छा है लेकिन बट उसके वर्क वर्कआउट्स हैं मतलब तो मैं अपना फ्लो ढूंढना होता है ना मेरा फ्लो था कि मेरे को क्लास में अच्छा लगता है तो टिल द एंड ऑफ द डेज़ की एग्ज़ाम से दो हफ्ते पहले क्लास है उसमें कोई बच्चा नहीं आ रहा मैं अकेला जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल मैं ख़ुद को जानता हूँ कि मैं क्लास में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर लूँगा कंपेयर टू खुद से खुद से पढ़ना पड़ता है वो धीरे धीरे सीखा टूअर्थ ट्वेल्थ के एंड में आ, वो बिल्डअप करनी होती है एंड आर की खुद से बैठ के पढ़ो इम्पॉर्टेंट होता है वो आ, तो उस चीज़ का भी तो मतलब आपका जो फार्मूला था वो ये था कि क्लासेस बहुत रिलीजियसली अटेंड करनी है और उसको मिस नहीं करना है और वहाँ से मैक्सिमम लर्निंग करनी है हाँ और फिर जो टाइम बच रहा है उसके अंदर मतलब अगर मैं क्लास अटेंड कर ही रहा हूँ तो अब मैं वहाँ पर बैठ गया तो मैं ठीक से पढ़ूंगा ये नहीं कि मतलब बच्चे क्लास में बैठ के फिर इतना ध्यान नहीं दे रहे वो चीज़ बिल्कुल नहीं अगर मैं क्लास में बैठा हूँ तो अगर मेरा टाइम वो यूटिलाइज हो रहा है तो ठीक से यूटिलाइज होना चाहिए तो हंड्रेड परसेंट मतलब बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं आप क्लास के अंदर जी ठीक है तो अभी जैसे जो जर्नी रही उसमें क्या चीज़ थी जो आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहे क्योंकि नैगरली अगर देखते हैं जब जेई प्रैप होती है एटलीस्ट मतलब दो साल की तो बात करते हैं इलेवंथ और ट्वेल्थ की बहुत स्टेंसेस आते हैं कि बच्चे जो होते हैं या एस पेरेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट से होते हैं ना कई बार टेस्ट में नंबर खराब हो गए उससे डीमोटिवेट हो गए कई बार स्कूल के, के हाफिरली या फाइनल वो आ गए प्री बोर्ड आ गए तो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें तो या पेरेंटल प्रेशर भी कई बार हो जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं हाँ भाई स्कूल के बोर्ड की तैयारी कर लो तो किसने कैसे आप मोटिवेटेड रहे अपनी जर्नी के अंदर मतलब अगर आपके दिमाग में आपका प्रोग्रेस है ठीक है आपको जितना करना था आपको पचास क्वेश्चन करने थे आपने नहीं करा आपने सिर्फ दस ही कर पाया बट आपने दस तो करे हैं वो आपको ध्यान रहना चाहिए और ये मतलब मुझे भी दिक्कत होती थी कि कहाँ पे फोकस करूँ स्कूल में या जे में और स्ट्रेस वगैरह डाउन टाइम्स भी सबके होते हैं अप डाउनस होते हैं बट कंसिस्टेंसी uh, बना के रखना ये सोचना कि मैं अब तक इतनी कंसिस्टेंटली अगर मैं हूँ अगर मैंने इतनी कंसिस्टेंटली मेहनत करी है तो मैं उसको तोड़ना सही नहीं है तो तुम करते जाओ अगर वही कि अगर मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो मैं ठीक से ही करूँगा ये नहीं मेरे एक टेस्ट में ख़राब मार्क्स है उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं आता तो क्योंकि मेरे पहले एक टेस्ट में अच्छे भी तो आए थे वही बात है उससे ये भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बट ये तो होना चाहिए कि वो धीरे धीरे एडअप होती हैं अच्छी टूअर्ड्स दी एंड मतलब आ, मैं अब सोचता हूँ तो इलेवन ट में जो छोटा छोटा के लोग को लगता है कि दो साल पहले से पढ़ना शुरू कर दिया बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट दैट ऑल एड्स अप टू वट आर डूइंग एंड फिर भी लगता है कि यार वो दो तीन दिन जिन्होंने मैंने नहीं किया यानी कि वो भी एडअप हो सकते थे बट इट द थिंग तुम में रियलाइज होना चाहिए कि हाँ फायदा हो रहा है नुकसान ही हो रहा है तो कंटिन्यूस पढ़ना है और मतलब जैसे आपने कहा हम भी हर बार ही कह रहे हैं कि टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे आए तो उसके ओवर कॉन्फिडेंस या यूफोरिया में नहीं जाना है और अगर खराब आ गए एक आधे टेस्ट में नंबर तो उससे कंक्लूजन नहीं ड्रा करना है कि मतलब दोनों चीज़ में कि एक में हो गया कि हाँ मेरे टॉप हंड्रेड में आई में चला जाऊँगा और दूसरे के मैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा कहीं भी है ना तो आ, हर दिन जो आप बहुत अच्छा आपने लाइन वर्ड बोला कि हर दिन एडअप करता है आपकी प्रिपरेशन में तो लास्ट थ्री मंथ्स की प्रिपरेशन आपकी कैसी रही क्योंकि लास्ट के थ्री मंथ्स या वन मंथ जो होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है एग्जाम के लिए है ना जैसे रेस में भी होता है कि भाई मैडम हम दौड़ रहे हैं तो लास्ट तक जो दौड़ा वही जीत रहा है, है ना आपने बहुत शुरू में दौड़े बट अंत में नहीं पहुंच पौड़े चे नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है तो हाउ ऑज योर स्ट्रेटजी इन लास्ट थ्री मंथ्स ऑफ योर जे लास्ट थ्री मंथ्स मतलब एक तो मेरे को नहीं पता मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को अब ड्रेन आउट फील हो रहा था क्योंकि मतलब जैसे मेंस के लिए पढ़ाई करी थी सेकंड अटैम्प्ट के लिए पढ़ाई करी थी अब एडवांस के लिए पढ़ पाऊँ तो तब तक थोड़ा ऐसा लगता है कि अब और खुद खुद को खींच रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइट होती जा रही है ऐसा फील होता है बट वो अगर वही होता है कि दिमाग में बस अब करना है करना है करना है अब आने वाला एग्जाम तो मेरा बेसिकली आ, जो चीज़ें मैंने कर रखी थी पहले तो मैं उनको था कि उन्हें ये नहीं कि मैंने मेरे, मेरे को अच्छे से आता तो बिल्कुल नहीं छोड़ना उसके जैसे हमारे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आता थी तो वो सब प्रैक्टिस करते रहो आ, प्लस तुम्हें तो थोड़ा टाइम के हिसाब से और ये देखना होता कि मेरे केस में क्या था कि मुझे पता था कि गिवन द टाइम मैं पर टाइम अपना कितना आ, अपने आप को बेटर कर सकता हूँ तो मुझे दिख रहा था कि पर टाइम डिवोटेड केमिस्ट्री में मेरे पास ज़्यादा स्कोप है मैं उतनी मेहनत फिज़िक्स में करूँगा मेरे को उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना मेरे को केमिस्ट्री में होगा मेरे साथ ऐसा था उस टाइम पर क्योंकि मेरी केमिस्ट्री में मैंने याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी नहीं करी थी मेरे को याद करने में दिक्कत होती है अभी भी होती है तो ऐसा था कि मैं किस चीज़ में से करंटली किस चीज़ में उतना ही टाइम डिवोट करूं और ज़्यादा बेनिफिट तो एफिशिएंटली पढ़ने वाली बात होती है हर चीज़ करना जरूरी नहीं होता अगर तुमने हर चीज नहीं करी वो बुरा नहीं है बट धीरे धीरे ऑब्वियसली इंक्रीज करना है तुम्हारा स्कोप जो वैसे यही किया था फिजिक्स और मैथ्स में मेरा ऐसा था कि आ, सब्जेक्ट वाइज बता दो स्ट्रेटजी बेसिकली जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक तो याद करनी पड़ती है आपने कहा मुझे याद करना अच्छा नहीं लगता था तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज आपकी कैसी रही फिजिक्स की केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स की फिजिक्स मेरा काफ़ी अच्छा था बेस्ट सब्जेक्ट जो मुझे लगता था वो फिजिक्स था तो फिज़िक्स में मेरा ये था कि टच छूटना नहीं चाहिए थोड़ थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूँ मतलब अच्छा है का मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ तो उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि वो मैंने पहले नोटिस किया था कि अगर मैं उस चीज़ में अच्छा भी हूँ अगर मैंने बहुत टाइम से नहीं छूई तो दिक्कत हो जाएगी तो ये नहीं कि मैं पूरा केमिस्ट्री में चला गया मैं फिज़िक्स के थोड़ थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर रहा था मैथ्स में मेरा एक दो टॉपिक्स थे जैसे कॉर्डिनेट जोमेट्री में कुछ कुछ याद करने वाली चीज़ें होती हैं और एक दो वीक पॉइंट्स थे उनको कवर किया मेरे को बीच में टाइम लगा था कि ठीक है मेरा एक टॉपिक उस टाइम पे इतना अच्छे से नहीं हुआ था जब वो पढ़ाया गया था तो मैंने उसको प्रॉपर किया उसके क्वेश्चंस किए ऐसे और केमिस्ट्री uh, में, में मेरा मोस्टली याद करने वाला पार्ट बचा था क्योंकि मेरे को याद करने में आलस भी आता था मैंने बहुत सारी चीज़ें ठीक से नहीं करी थी तो मैंने नोट्स बनाए थे मैंने एक ही मैंने एन सी आप सब टीचर्स बताते हैं एन को चाटना था तो मैं एन सी आर टी खोल के नोट्स बना रहा हूँ नोट्स बना रहा हूँ नोट्स बना रहा हूँ मेरी सिस्टर भी हेल्प कर रही है वो मेरे को याद करा रही है एंड मैंने तीन चार बार से इन चीज़ के नोट्स बना रखे हैं तो ऐसे करके मतलब करना मतलब पता है कि अगर तुम्हारा वीक पॉइंट है बट वो करना ज़रूरी है तो अब वीक को छोड़ दोगे तो और वीक हो जाएगा हाँ भाई तो अब जैसे सिलेक्शन जब हो गया और आई के अंदर चले गए और वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर आई आई के अंदर तो क्या चेंजेस आप अपने अंदर देखते हो एज ए स्टूडेंट या एज ए पर्सन जो बिफोर एंट्रिंग इनटू द गेट ऑफ आईआईटी एंड आफ्टर गेटिंग इनटू द गेट ऑफ आईआईटी आई एक तो ये कि लाइफ में जो स्ट्रेसेस होते हैं वो हमेशा बुरे नहीं होते मतलब ये मेरे को थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ था कि उस टाइम पे मेहनत करते टाइम लगता है यार मेरे दोस्त से और ये सब हो रहा है आज तक आप चीज़ें देखते हो कि आप ये भी कर सकते हो आपका कुछ रोक नहीं रहा पर जब एक बार रिज़ल्ट आ जाता है तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है बट अब मैं यहाँ पर हूँ तो मतलब तुम्हें अपना रिज़ल्ट मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कॉलेज में मतलब अगर मैं बेटर फेस करूं तो कॉलेज में जाके हमारा सेशन हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि स्ट्रेसेस के बारे में था तो उन्होंने हमसे लिखवाया था कि तुम लिखो तुमने जेब प्रब के टाइम क्या क्या स्ट्रेस फेस किए थे फिर उन्होंने ये लिखवाया कि सच सच खुद से बताओ कौन सा स्ट्रेसा जो तुम्हें लगता है एक्चुअली तुम्हें नुकसान किया कौन सा स्ट्रेसा जो तुम्हें लगता है अच्छा था तुम्हारे लिए जिसकी वजह से तुम्हें फ़ायदा हुआ और कौन से न्यूट्रल तो जितने भी हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रेसेस थे मोस्टली बच्चों ने उन्हें गुड में डाला गुड स्ट्रेस उन स्ट्रेसेस से आपको फ़ायदा हुआ यानी कि आपको स्ट्रेस के अंदर दबना नहीं है स्ट्रेस मतलब रिक्वायरमेंट है तुम्हारी एक एक गोल है और उसे अचीव करना है तो आ, अपने आ, ये नहीं सोचना होता कि अरे यार ये भी करना है ये भी करना ये करना है और तुम पूरे तरह नहीं तो कुछ एक्सटेंड तक करना ही है तो उस चीज़ का होता है कि लाइफ में एफर्ट की वैल्यू मेरे दिमाग में, में उसकी वैल्यू चेंज हो गई ऐसा हुआ तो बेसिकली कॉलेज के अंदर जाके आप कह रहे हो कि आई आई एक्सरसाइज करा रहा है आजकल कि स्ट्रेस किस किस चीज़ से हो रही है वो उसको नोट नोटिफेशन हुआ और लाइफ इन आई टी तो अच्छी है ही जी तो बाकी हम काफी बच्चों से और बात कर ही चुके हैं तो आई थिंक उसको रिपीट नहीं करते ठीक है आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा आ, ये रिसर्च है आ, जो साइकोलॉजिस्ट और साइकैट्रिस्ट ने की है एक स्ट्रेस कर्व होता है तो जो बेल कर्व की तरह है जो ये कहता है कि अगर आपको जीरो स्ट्रेस है

कहना चाहिए कि हम यूट्यूब पर ही कर रहे हैं खैर है सेशन बहुत सारे आप सेशन अगर देखोगे यूट्यूब पे या अदरवाइज तो बड़ी अलग अजीब अजीब से लोग बात बताते हैं कोई कहता है अट्ठारह घंटे पढ़ना चाहिए कोई कहता है इतना पढ़ना चाहिए मतलब मुझे तो लगता है काफ़ी सारे उसमें जो होते हैं वो अन्यूमन से टाइप से लगते हैं या सिर्फ वीडियो को आ, एक वायरल करने के लिए बोला जाता है आइडियल स्टडिंग टाइम आपका कैसा था जब आप यही प्रैप कर रहे थे मेरा थोड़ा सा आई वुड से जो यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में नहीं करता था मतलब क्योंकि मुझे मेरी लिमिट्स पता गए क्योंकि मैं शुरू से सेल्फ स्टडी इतनी नहीं कर पाता मुझे पता है अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ूँगा तो उसका फ़ायदा नहीं है तो और मेरे को नींद की मेरी यूजअली नींद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहे तो जैसे मैं सात सात घंटे मैं कहीं आठ घंटे तो सोता ही था मैं नींद पूरी करता था मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता था स्लीप बहुत ज़रूरी होती है कुछ भी ठीक से करने के लिए एंड उसके बाद रेगुलर इंटरवल से पढ़ो बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं टारगेट रखो इतने क्वेश्चन या इतना टाइम कोई भी टाइप का टारगेट रियलिस्टिक रेलि, होना चाहिए ऑब्वियसली लंबे टारगेट रख रहे हो तो मतलब अगर तुमने कोई लॉन्ग टर्म टारगेट रखा इस वीक में ये करना है तो ऐसा टारगेट होना चाहिए कि तुम उसको डिवाइड कर सकते हो मतलब अगर मेरा कोई टारगेट है कि मेरे को इस वीक में ये अचीव करना है तो मेरे पास ये पॉसिबल होना चाहिए कि मैं उसको एक लाइन खींच सकूँ और मैं लिख सकूँ डे वन में इतना हो जाएगा डे टू में इतना हो जाएगा डे थ्री में इतना हो जाएगा क्योंकि अगर आप वो करते हो तो आपको पता चलता है कि वो रीजनेबल है टारगेट या नहीं तो एक वो चीज़ थी तो ऐसे दिल मतलब मैंने सच में कोई फिक्स आर्स था नहीं और ना ही मैं गिनता था क्योंकि मुझे लगता है कि एवरेज कितना होता होगा एवरेज अगर हम एवरेज एंड अगर मैं देखूँ जो था तब तो हाई था मतलब आठ घंटे सोया आठ घंटे हाँ उसमें से अगर चार घंटे निकाल भी लो बारह चौदह घंटे बारह घंटे लास्ट के टाइम में हाँ लास्ट के टाइम में मतलब तो लास्ट थ्री मंथ्स की बात आप जी और, और अगर अक्रॉस फ्रॉम एलेवेंथ अप्रैल टू अक्टूबर या नवंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर बात करें तो बहुत फिक्स नहीं था वो मेरा वो मतलब कुछ काम है तो मैं अगेन क्योंकि स्टडी तक हमें दिली तो होमवर्क वगैरह करने का मैं तो कोशिश करता जितना हो जाए उस हिसाब से मैं टाइम डिवोट करता क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ये भी आइडिया नहीं था कि स्कूल और इसमें कितना वो करना शुरू में इसका आइडिया नहीं था तो अगर मैं जे प्रेप की तरफ बोलूँ तो यूजली अराउंड एवरेज करूँ तो तीन या चार घंटे लेकिन आ, चार घंटे पाँच घंटे में भी मैक्सिमम अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो ज़्यादा पढ़ना

टैबलेट है मोबाइल है या पीसी है या सोशल मीडिया है या मल्टीपल अदर चीज़ें हैं तो आपने अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखा कैसे और आपका इन गैजेट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था आ, मेरा ऐसा था मतलब मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं था अभी भी मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम डाला है, वो मैंने जब मेरा एडवांस हो गया था मेरे दोस्त बोलते थे कि डालने मैंने कहा नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है तुम क्या क्या उस पर लगे रहते तो मैंने एडवांस के बाद सब कुछ चीज़ें ट्राई करी बट उससे पहले मैंने सोशल मीडिया रिलेटिव मैं ये नहीं कि मैं बिल्कुल दोस्तों से बात नहीं कर बातचीत करता था ज़रूरी भी होती हैं वो बट ऑबली लिमिट है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो शॉर्ट टर्म वीडियो आ गया अभी यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया वो तो बिल्कुल ही वो तो एडिक्शन है बेसिकली वो एडिक्शन है उससे कुछ अच्छा भी नहीं लगता वो देखने के बाद अभी भी कॉलेज लाइफ में भी हमारा यही होता है कि हैंडल करना है स्क्रीन टाइम को तो मतलब बुरा नहीं है वो अगेन लेंथ की बात है अगर तुम्हें खेल के अच्छा लगता है फिजिकल स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं तो ठीक है अगर तुम्हें hmm. वीडियो गेम्स अच्छे लगते तो हैं हाँ, फिजिकल फिजिकल स्पोर्ट्स वेरी गुड अगर बहुत अच्छे हैं एक्सरसाइज वगैरह मैं करता था, था थोड़ी बहुत क्योंकि उससे मेंटली भी आप शार्प स्ट्रेस बस्ट आउट भी होता हाँ. है और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है बट देन अगेन ड्यूरिंग द प्रेप स्क्रीन से ऐसे दिक्कत नहीं है बट ये है कि यूजअली जो स्क्रीन कॉन्टेंट होता है वो एडिक्टिव ज्यादा होता है एंड आपको रियलाइज नहीं होता आप इतना टाइम लगता है तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि कितने देर देख लो कहीं पर मुझे ध्यान नहीं रहता तो था पेरेंट्स मम भी आके बोलते क्या कर रहा है आदमी दे तो मैं हाँ ठीक है छोड़ देना चाहिए यहाँ रोज़ धीरे धीरे हो जाता है मतलब स्टार्टिंग में नहीं तो धीरे धीरे खुद रिलेक्स होने लग जाता है कि हाँ इतना अगर आप सीरियस हो तो मुझे लगता है कि खुद ही आप फिर वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी हाँ भाई मतलब तो आप करते टाइम ठीक है लेकिन आप जैसे करो तो आपके दिल में फील होता है यार ये मैंने अभी अभी क्या एक घंटा वेस्ट किया तो वो फिर धीरे धीरे आपको खुद ही ठीक कर रिक्रिएशन के लिए अगर हम ब्रेक ले रहे हैं पंद्रह बीस मिनट का तो उसमें कर सकते हैं अगर आप कोई बच्चे जो बच्चा पर... नहीं करना चाह मतलब अगर वैसे तो फिजिकल वर्कआउट अगर आप कर लो वॉक कर लो या आ, कोई कोई स्पोर्ट्स खेल लो तो बेस्ट ही है बट मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं शायद जो वो नहीं करना चाहते हो तो उस केस में पंद्रह बीस मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो एक्चुअली पंद्रह बीस मिनट होता नहीं है <laughs> स्टार्ट वो पंद्रह मिनट बा, चलता है वहीं वही वो एक घंटा हो जाता है तो पता नहीं चलता है और फिजिकल एक्टिविटी वैसे काफी इंपॉर्टेंट रहती है मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है स्ट्रेस आपको बेस्ट है आपने बोला अटेंशन काफी इंप्रूव हो जाता है आ, और मतलब अभी अगर आई आई टी में भी हम डिस्कस करते हैं तो बच्चे ये कहते हैं कि फिजिकल वो थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे रखना है मतलब मैं भी टुवर्ड्स ही एंड लेकिन जब मेरा एग्जाम आने वाला था तब भी मेरा था यार आधा घंटा कुछ ना कुछ करना है क्योंकि दिन बॉडी को स्टिफ हो जाती है बॉडी खुद पढ़ते में भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि कुछ और टाइप की एक्टिविटी करनी है तो आधा घंटा एक्टीस में निकालता था टूवर्ड्स इन फिजिकल एक्टिविटी या मेडिटेशन हल्की सी वो तो मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा है यार मतलब एक्चुअली काफ़ी लोग मानते नहीं हैं उस बात को हाँ मेडिटेशन तो बहुत अच्छा है मतलब अगर मतलब अब जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो सभी मेडिटेशन को तो रेकमेंड करते ही करते हैं लाइफ में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जब तक तो करोना तब तक रियलाइज आने चलता है हाँ तो अब लास्टली uh, uh, क्या एडवाइस है आपकी जे 2024 अपीयरिंग uh, स्टूडेंट्स के लिए मेंस और एडवांस दोनों के लिए एक तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो ठीक से करो भाई एडिकट अमाउंट ऑफ लेना होता एंड uh, जो uh, तुमने कर रखा है उसे छोड़ना नहीं है भाई वो एक बार देख लो तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा क्लियर है अब मैं इसको बिल्कुल साइड में रख सकता हूँ और बीच बीच में उसे भी देखना पड़ता था और जो मॉक टेस्ट हैं वो सारे टीचर बोलते हैं मैं वही चीज़ें बोल रहा हूँ लेकिन मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और तुम्हारा टाइम एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम किस क्वेश्चन को पेपर के टाइम पर कितना टाइम दे रहे हो इवन प्रैक्टिस के टाइम पर शुरू में तो तुम ज़्यादा टाइम दे सकते हो क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमने थोड़ा और टाइम लगाया क्योंकि सॉल्यूशन देखने से हमेशा बेटर रहता है कि तुम थोड़ा और टाइम लगा के मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन इतना जल्दी नहीं देखना चाहिए प्रेप के टाइम पे जब स्टार्टिंग के टेज होते हैं बट टुवर्ड्स दी एंड जब टाइम का क्रंच रहता है तो एक आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि आप किसने क्वेश्चन पर कितना टाइम डिवोट कर रहे हो और जब पेपर भी होता है इट इज़ नॉट कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है आपको ये भी पता होना चाहिए आप कितना टाइम लगाओगे उस क्वेश्चन पर तो उस हिसाब से क्वेश्चन करने होते हैं बाद में टाइम बचा आप उन क्वेश्चन पर वापस जा रहे हो ये स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से डेवलप करते हैं मॉक टेस्ट में तो मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से और एज इट्स की आपका एक्चुअल पेपर है हर मॉक टेस्ट के बाद थोड़ा सा रियलाइज़ होना चाहिए कि जब आप अपना मार्क्स देख रहे हो कि इस चीज़ में मैंने इतना टाइम लगाया था इतना आउटपुट नहीं मिला टाइम की इम्पोर्टेंस काफ़ी होती है एंड पेपर के टाइम पे स्ट्रेस uh, पेपर के जब बैठे होते हैं पेपर देने के लिए तब काफी टेंशन होती है वो मॉक टेस्ट से काफी रिलीव होगी जितना अच्छे से आप मॉक टेस्ट देंगे जितना रिलीजियसली देंगे मतलब कि मैं एक्चुअल पेपर में होता तो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वो थोड़ा कोशिश करिए उससे एक्चुअल पेपर के टाइम मुझे भी फील हुआ था कि मॉक टेस्ट से काफी बेनिफिट होता है पेपर देते ने। तो वो चीज सीबीटी से भी मुझे लगता है बेनिफिट होता है सीबीटी देने से क्योंकि एग्जाम एनवाइट जो है उसको अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो खुद से घर पे तो वो भी प्रॉपर एनवायरनमेंट में देने की कोशिश करो क्योंकि उससे फ़ायदा होता है आ, मैंने इवन टू वर्ड्स एंड कुछ मॉक्स में आ, मेरे को था कि नो, नोट पैड मिलेगा एंड मैंने कभी भी उस छोटे साइज़ की शीट पर नहीं करा था मैं तो हमें फुल शीट्स मिलती हैं तो मैं अपना नोट पैड खरीद के गया था मैंने बोला था मैं इस पर रफर करूँगा एंड मेरे को फर्स्ट एक्चुअली इधर सा लगा भी था क्योंकि उस साइज उस शीट साइज़ की आदत नहीं है मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जो भी बट आ, फिर मैंने वो भी चीज़ भी ठीक हो गई थी तो मेरे को पेपर के टाइम पे दिक्कत नहीं हुई तो मार्क्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सी देना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आप एक्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट और एग्जाम प्लेटफॉर्म को बेसिकली पहले से ही थोड़ा सा अपने आप को फेमिलियर कर लेते हो या एक्लेमेटाइज कर लेते हो जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच अर्जुन फॉर बींग विद अस इन दिस पॉडकास्ट थैंक यू सर आपको और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज को देखने के लिए और ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों से लाइफ में मिलने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू